एपीएसटी उत्सव गार्डन नवादा मोड़ गढ़वा, हर प्रकार के आयोजन के लिए गढ़वा का सर्वोत्तम स्थान। भंडरिया प्रखंड के ग्राम नौका स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वन भोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में चैनपुर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के विधायक आलोक कुमार चौरसिया का स्वागत भंडरिया एवं बड़गढ़ प्रखंड के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। समारोह में मंच संचालन मंडल अध्यक्ष भूषण सिंह के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश निरंजन सिन्हा के द्वारा शॉल ओढ़ाकर एवं बंशीधर मंदिर का मूर्ति का प्रतिमा देकर किया गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के द्वारा भी अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मौके पर बीजू सिंह के द्वारा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की मनमानी की शिकायत की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके कार्यकर्ताओं एवं आम जनता का काम ठीक से नहीं होता है। इस पर विधायक ने अपने भाषण में कहा कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार मिलकर सभी जनता का काम करवाएंगे एवं उन्हें काम करना पड़ेगा। मंच पर मंचाशीन ओम प्रकाश केसरी, मुकेश निरंजन सिन्हा, ठाकुर प्रसाद महतो, बाल मुकुंद सहाय, भीष्म नारायण चौरसिया के द्वारा आलोक कुमार चौरसिया की जीत की बधाई सभी को दिया गया। भंडरिया प्रखंड के बूथ कमेटी के अध्यक्ष लोगों को सम्मानित किया गया। सभा समाप्ति की घोषणा आनंदी सिंह के द्वारा किया गया। इस वन भोज में भंडरिया प्रखंड के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वन भोज में शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का व्यवस्था था। कार्यक्रम में भोजन कम होने से कुछ कार्यकर्ता नाराज दिखे। इस अवसर पर रामनाथ केशरी, शंकर सिंह, दिलीप तमोली, सत्यनारायण गुप्ता, विजय राम, जीतन सिंह, ओम प्रकाश केसरी, विजय केसरी, सुरेश केसरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वन भोज कार्यक्रम में भाजपा की विचारधारा एवं प्रबंधन के प्रति कुछ व्यवस्था देखने को मिली। सैकड़ों कार्यकर्ता भोजन लेने के लिए परेशान दिखे। भोजन करने के दौरान भी भारी कुव्यवस्था देखने को मिली। पार्टी लाइन के अनुकूल अनुशासन नगण्य रहा। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।